सिग्मा डी स्क्वायर की कीमत कितनी आएगी निकल कर। अब यहाँ पर आर का ज़्यादा जो है आपको पहले ही निकल जाएगा, सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस वन, ये इसका ज़्यादा है। अब यहाँ पर ज़्यादा की रकम लिखते हैं आप लोग, वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर है अठारह, और यहाँ पर एन एक दो तीन चार पाँच छः, एन है छः, छत्तीस छः का स्क्वायर है छत्तीस, छत्तीस में से एक जाएगा तो पैंतीस, वन माइनस अठारह चम। अब यहाँ पर हम अठारह चम चौदह होता है बीस बचाएगा छः, तकसीम करेंगे हम लोग वन माइनस एक सौ आठ तकसीम में दो सौ दस, आंसर आएगा जीरो पॉइंट इक्यावन, वन में से जीरो पॉइंट इक्यावन माइनस करेंगे तो आर बराबर कीमत कितनी मिलेगी, जीरो पॉइंट फोर्टी नाइन। इस तरह का ये हमारा दाखला होगा, तो इसी तरह हमारा दूसरा भी दाखला होगा, दूसरा दाखला भी हम यहाँ पर करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरा दाखला होगा, जहाँ पर रकम दिखा क्रम दिया हुआ है वहाँ पर हमको क्रम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर क्रम नहीं दिया हुआ होता वहीं पर हमारे को क्रम ढूंढना पड़ता है। अब इस दाखले में दूसरे नंबर के दाखले में भी क्रम दिया हुआ है, देखो रकम में लिखा हुआ है नौ गांव है और स्वच्छता अभियान जाने क्रम, तो यहाँ पर आर है क्रम कितना दिया हुआ है, चार आठ सात एक नौ पाँच छः दो और ये तीन, और आर हुआ है यहाँ पर भी क्रम कितना दिया हुआ है, छः आठ पाँच एक नौ सात तीन चार और ये दो। अब डी बराबर आर एक्स माइनस आर वाई, चार में से छह जाएगा माइनस दो जीरो, यहाँ पर दो जीरो जीरो माइनस दो तीन माइनस दो और ये एक। अब इसका टोटल अब पे जीरो आना चाहिए, तीन चार पाँच छः, दो तीन चार पाँच छः कितना आया इसका टोटल जीरो, सिग्मा डी स्क्वायर और डी स्क्वायर निकालना है, चार जीरो चार जीरो जीरो चार नौ चार और एक, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू दस चौदह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और ये छब्बीस। सेम इसी तरह यहाँ पर भी आर इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस सिक्स ट्वेंटी सिक्स और ये यहाँ पर कितने हैं नौ, इक्यासी नौ का स्क्वायर होगा इक्यासी में सीख जाएगा तो अस्सी छः छः छत्तीस छतु बात ले जाओ पंद्रह नवठा बोलते हैं सात सौ एक सौ छप्पन तकसीम में सात सौ बीस, एक सौ छप्पन के तकसीम में सात सौ बीस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट ट्वेंटी टू, जीरो पॉइंट ट्वेंटी टू तो आंसर कितना आएगा, आर इज इक्वल टू वन में से माइनस करेंगे तो आर का आंसर आएगा जीरो पॉइंट एट्टू, ये इसका आंसर आएगा जीरो पॉइंट एट्टू। ये तो हमारे क्रम वाले दाखले हो गए हैं, क्रम वाले दाखले इजी होते हैं, अब यहाँ पर क्रम देना पड़ेगा जो तीसरा और चौथा दाखला जिसमें हमको क्रम देना है वो दाखले हम यहाँ पर करेंगे, तो क्रम देंगे अब हम लोग यहाँ पर तीसरा दाखला सत्तावन पिस्तालीस चौदह अठारह और ये आठ तेरह बीस दस पंद्रह और ये पाँच। अब हमको क्या करना है इसमें यहाँ पर क्रम दे दे, तो यहाँ पर क्रम देने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पहला क्रम बस्ती यानी बताना अंदर सबसे बड़ी जो संख्या है उसे पहला क्रम देंगे आर एक्स और आर वाई, सत्तावन को पहला क्रम इसे दूसरा इसे तीसरा ये चौथा और ये पाँच, बड़ी संख्या को पहला क्रम देंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या इक्कीस इसे पहला क्रम, दूसरी संख्या दो यहाँ पर तीन ये चार और ये पाँच। अब बी
यहाँ पर भी सिग्मा डी इज इक्वल टू जीरो आ गया है, डी का स्क्वायर निकालेंगे, चार एक जीरो एक जीरो चार पाँच छः सिग्मा डी का स्क्वायर आया है छः। सेम उसी तरह पहले तरह का ये वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर अपन एन एन स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर सिक्स ये कितना आया है, ये पीछे आया है, एक दो तीन चार पाँच पच्चीस में से एक जाएगा तो चौबीस, यहाँ पर वन माइनस छत्तीस के तकसीम में चार पचास बीस और पाँच को दस कर दो छत्तीस के छेद में एक सौ बीस, तो यहाँ पर छत्तीस के छेद में एक सौ बीस करेंगे तो आएगा जीरो पॉइंट तीन, वन माइनस जीरो पॉइंट तीन जो आंसर आएगा जीरो पॉइंट सेवन। इसी तरह का दाखला चार है, चौथा दाखला आपको खुद करना है, दाखला नंबर पाँच करेंगे अभी हम लोग, पाँचवा दाखला अभी आपको मैं करके बताऊंगी, पांच दाखले तक अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे। जब सेम नंबर होते हैं तब क्या करते हैं, तब हमको सी एफ वाला साबका लगाना होता है, जब सेम नंबर दिए हुए हो तब क्या करते हैं, एग्जाम में पुस्तक आपको बनाना पड़ेगा, बनाना ही है एम एम
भाग जाता है, जितनी बार उसे एम भाग जाता है तो एम दो के छेद में बारह, दो का वर्ग कितना होगा बिल्कुल चार दो आठ, आठ माइनस दो छः के छेद में बारह, तो यहाँ पर कितना आएगा जीरो पॉइंट पाँच, इसी तरह यहाँ पर भी आएगा जीरो पॉइंट पाँच, और इसका टोटल कितना होगा एक, इसका टोटल लिया जाता है टोटल होगा एक। एक बार दोबारा समझाऊंगी मैं यहाँ पर, चल एक सौ चौपन कितनी बार है दो, जो जितनी बार है उसे एम कहा जाता है, एक सौ पाँच कितनी बार है दो, जितनी बार है उसे एम कहा जाता है। अब दो का वर्ग माइनस दो के तकसीम में बारह बराबर जीरो पॉइंट पाँच, दो का वर्ग माइनस दो के तकसीम में बारह, अब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा एक। अब यहाँ पर से सिग्मा डी स्क्वायर है, सिग्मा डी स्क्वायर है चार प्लस यहाँ पर इसका आंसर आया एक, और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः और सात, उगन पचास माइनस एक यानी डायरेक्ट उनतालीस, छः पचास ये चार प्लस एक पाँच, पाँच चौ तीस के तकसीम में आठ सत्तावन छप्पन का छः, सात चौक अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस, वन माइनस थर्टी के छेद में तीन सौ छत्तीस। अब हम लोग थर्टी के छेद में तीन सौ छत्तीस लाएंगे तो आएगा जीरो पॉइंट जीरो नौ, जीरो पॉइंट जीरो नौ, तो आर की कीमत वन से माइनस करेंगे तो कितनी आएगी जीरो पॉइंट इक्यानवे, आर आएगा जीरो पॉइंट इक्यानवे। ये हमने क्या आपको घर पे प्रैक्टिस भी करनी है, दाखला नंबर छः जो आपको खुद करना है, दाखला नंबर चार और दाखला नंबर छः आपको खुद ही करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में दाखला नंबर सात से हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।